जानने को मिला है बस कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आपसे बैठे कैसे होंगे अलहमदिल्ला मैं भी। आज जो है ना हम सुबह से आए हुए यहाँ पर एक डॉक्टर के पास, उसमें वजह यह कि अहमद जो है ना कल से काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इस वजह से हम डॉक्टर के पास आए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पहले भी अहमद गिरी थी जिसकी वजह से इसे बुखार आ गया था, लेकिन फिर इसकी दवाई नहीं थी तो ये ठीक हो गई थी, लेकिन कल से इसे दोबारा से इतनी ज़्यादा बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार। तो हमने अपने जिला शहर से इसकी दवाई ली, लेकिन वो जो दवाई उन्होंने दी वो इसको सही नहीं लगी, क्योंकि वो दवाई खाते ही इसकी तबीयत और बिगड़ गई। तकरीबन रात को दो एक दो का टाइम था जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और इसकी इस जगह पर दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि तनी अहमद को क्या हो गया है। तो हमने दोबारा से वही दवाई चेक करवाई तो उन्होंने कहा कि शायद इसकी दवाई जो है सही नहीं लगी, इसलिए इसकी तबीयत और बिगड़ गई है। तो मैं सारी रात नहीं सोई ना अहमद सोई, क्योंकि इसे बहुत तेज़ बुखार था। सुबह जब हम थे तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सुबह ही सुबह हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि जिला शहर से इसे ठीक दवाई नहीं लग रही थी। तो हम आ जाए हैं बस्ती मुल्क में, डॉक्टर नासिर के नाम से ये जगह है, यहाँ पर डॉक्टर है, तो यहाँ पर हम आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, हम सफ़र करके आए हैं, वैसे सारी रात सोई नहीं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो मैंने सोचा कि इसकी पहले दवाई ले ली, क्योंकि बहुत तेज़ बुखार था, अभी भी इसे बुखार है, लेकिन अभी ड्रिप लगी हुई है इसे, तकरीबन कुछ देर बाद ये ड्रिप ख़त्म हो जाएगी। आप सब अपने इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आज जो इसकी हालत हो गई थी ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन अब इंशाल्लाह डॉक्टर ने कहा कि इतना ज़्यादा मसला नहीं, बस बुखार की वजह से इसे दर्द भी है और ये इसकी वीकनेस इसको बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। इंशाल्लाह जो ना हम आज ही आए हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कह रहे हैं कि कल और परसों दो दिन और भी इसका चेकअप करवाना है। तो आप सब लोग ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि जल्दी से अहमद ठीक हो जाए। अभी इसे ब्रेक लगी है, तकरीबन आधी तो ख़त्म हो गई, बाकी कुछ ही रह गई थी, जब ख़त्म हो जाएगी तो इन शाला वापस चलेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा सफ़र था, हम सुबह से चल रहे हैं, तकरीबन एक घंटा तो हमें आने आने में लग गया, तकरीबन दो तीन घंटे हम यहाँ आए हुए लग गए हैं। तो असल में जब इसकी तबीयत खराब हुई रात एक का टाइम था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि दवाई तो ले आए थे डॉक्टर से जिला शहर से, वहाँ भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, अहमद वहाँ से बिल्कुल जो ना आराम नहीं आ रहा था, इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। और रात के वक्त में मैं इसलिए परेशान हो गई थी क्योंकि डॉक्टर भी नहीं थे, एक बजे का टाइम था, हम बहुत ज़्यादा घर वाले परेशान थे, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, बस रोए जा रही थी। लेकिन अब माशाल्लाह से जब साफ गई थी, इसका दर्द भी कुछ कम हो गया और बुखार भी कुछ कम हो गया। इंशाल्लाह ये डॉक्टर के पास आज हम आए हैं, माशाल्लाह का डॉक्टर बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो यहाँ जो भी आता है माशाल्लाह से अच्छी दवाई देते हैं और ठीक हो जाते हैं। इंशाल्लाह आप सभी लोग आप लोग दुआ करें कि अहमद जल्दी से ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह वैसे आप लोग जानते हैं कि पहली बार ये गिरी थी, उस वक्त किसी चोट लगी थी और बुखार है, लेकिन कल इसको पता किसी ने बुखार है, ये गर्मी में खेलती रही है, मेरे कहने के पापा थे, ये मेरा कहना नहीं माना इसने, इसलिए धूप में धूप शायद इसे लगी, गर्मी की वजह से इसे बुखार आ गया। तो आज के बाद ये कह रही है खुद से कि मैं आइंदा के बाद बाहर नहीं जाऊँगी, इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाए। और उन्होंने नाम नहीं निकाल भी दी है, हो सकता है कल या परसों दोबारा से भी कहेगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने देखा है, और दोबारा से हम चाहते हैं, और डॉक्टर के पास पूछना दिखाते हैं कि हम जनान ड्रिप तो लगवा लिए, और इसके लिए क्या चीज़ें हम इसको खिलाएँ, क्योंकि जो चीज़ ये रोटी वगैरह जो है वो कहें ना खाएँ, क्योंकि इसे कमजोरी बहुत है, फल फ्रूट वगैरह खाने को कहेंगे। अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं और उसके बाद हम अपना घर वापस जाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी हमने इसको ड्रिप लगवाई थी, तो ड्रिप हमने उतार दी, इसको इंजेक्शन भी अब बुखार का लगा दिया है। तो इसको मैं इसलिए नहीं निकाली क्योंकि यहाँ पर अभी अभी ड्रिप निकाल लिया है, ये देखें, और ये कहीं यहाँ खून ज़्यादा ना बह जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो ये पर किया डॉक्टर नासिर, ये डॉक्टर हैं जिनसे आज हमने दवाई ली है, और ये देखें ये दवाइयाँ हैं इसके ऊपर। बुखार का सिरप है, बर्फ़ी ये भी दिया है,
और ये कुछ और दवाएं हैं क्योंकि इसे वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से उन्होंने कुछ और दवाएं भी दी हैं। तो आज उन्होंने जो है ड्रिप निकाल दिया और कह रहे थे कि डॉक्टर इंशाल्लाह कल ना परसों वाले दिन दोबारा से इसे, हो सकता है ड्रिप लगे इसलिए हम परसों वाले दिन फिर से आएंगे। तो अभी हम घर चलते हैं क्योंकि उन्होंने दवाई ले ली है और रास्ते में शहर से कुछ ले थे इसके लिए, क्योंकि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, बुखार बहुत तेज था इस वजह से इसने कुछ भी नहीं किया खाया। तो खाना खाने से डॉक्टर ने इसको मना किया, तो हम रास्ते से कुछ फल फ्रूट लेंगे और फिर हम घर जाएंगे। हम घर पहुँच चुके हैं क्योंकि काफ़ी सफ़र था, तो हम काफ़ी जो है ना थक भी गए क्योंकि अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसकी दवाई ली तो डॉक्टर ने इसको खाना खाने से मना किया, उसने कहा है कि इसको कुछ नरल्टीज फल फ्रूट वगैरह देने हैं आज के दिन। तो इसके लिए मैंने कुछ ये देखे हैं फल फ्रूट पिए हैं, ताकि ये अभी इसने कुछ खाए भी हैं क्योंकि अभी दवाई इसको देनी है, तो इंजेक्शन वगैरह और जो है ना ड्रिप इसको लगा दी है। बुखार काफ़ी था लेकिन अब कुछ बेहतर हो गया क्योंकि बुखार का इंजेक्शन हमने लगवाया। तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों को अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ हो जाए ना तो बहुत बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। तो जैसे हम उनको कल से बुखार शुरू हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और हमारे सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इसे यहाँ से कोई दवाई ठीक लग ही नहीं रही थी, आराम भी नहीं हो रहा था इसे। इसलिए हमें आज बस्ती लोग और वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है वहीं जाना पड़ा क्योंकि वो बच्चों का डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देता है। तो माशाल्लाह आपके अहमद की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है, तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है अहमद के लिए कि अहमद जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि इसे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर हो गया ये, तो इंशाल्लाह ये जो दवाएँ उन्होंने दी है इंशाल्लाह ये खाएगी तो इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक भी हो जाएगी। अब मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि इसकी फल फ्रूट और इस तरह की चीज़ें इसे खिलाऊँ ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। उन्होंने भी आ गई, वो यहीं पर ही थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह को मेरी भाभी और हम दोनों इकट्ठे ही आए थे, अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी भाभी ने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप यहीं पे रुक जाओ, मैं खुद जाऊँगी इसकी दवाई लेने। तो माशाल्लाह से अब कुछ बेहतर हो गई है। रात को हम पूरी रात नहीं सोए, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी थी क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कभी कहती कि मुझे इस जगह पर दर्द है, कभी कहती इस जगह पर दर्द है। तो माशाल्लाह से मैंने इनसे बहुत कहा है कि अब किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे जाके मतलब इसकी दवाई वगैरह लें तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। तो माशाल्लाह से अब कुछ अच्छी नज़र आ रही है इसकी तबीयत, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आप सब भी अपने अमन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि जल्दी ठीक हो जाए। तो माशाल्लाह से जैसे सोनिया ने कहा कि वाकई में अहमद की तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही है। सुबह तो हमें इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, हम इतने परेशान हो गए थे इसकी वजह से। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रही है, इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप सब लोग दुआ में खुश रहें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।